बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, शुद्धि आयुर्वेदा क्लिनिक के नाम से पूरे भारत में क्लिनिक है, डॉक्टर्स की टीम है, आपको अपनी पैथी बदलनी है, आयुर्वेद की शरण में आना है। पॉल्यूशन, बैक्टीरिया, वायरस के आगे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी हार जाती है, तो शरीर की शुद्धि करवाओ, थोड़ी बुद्धि लगाओ, शुद्धि क्लिनिक आओ। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष जीना सिंह को कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आप पिछले काफ़ी टाइम से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत सराह रहे हैं, हमें बहुत फ़ोन आते हैं, थैंक यू के फ़ोन आते हैं ना, तब तो एक दिल बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है कि लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों की दुआएं मिल रही हैं, क्योंकि अगर कोई साथ कुछ लेके गया तो सिर्फ नाम, आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा जो जेबें भर के कफन में ले गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी है, आपको डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन ही इलाज है, या आपको डॉक्टर ने बोला ज़िंदगी भर दवाएं खाओ, या ऐसा बोल दिया, या आपको समझ ही नहीं आ रहा मुझे बीमारी क्या है, तो इस लाइव प्रोग्राम में फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको कोई ना कोई समाधान देने की और आपको सही राह दिखाने की, क्योंकि अगर हम संभलेंगे, समझेंगे, जीना सीखेंगे, तभी भारत बचेगा। मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखाना चाहूँगा, इस वक्त भारत में, ये ध्यान से पढ़िए, 66% बच्चों का शुगर लेवल ठीक नहीं। ये एक सर्वे हुआ है भारत सरकार की तरफ से कि जितने भी बच्चे आजकल स्कूलों में पढ़ रहे हैं, या जो भी बच्चे हैं इस टाइम पे जो कि स्कूटर रेखा से ऊपर रहते हैं, गरीब बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, हम आम लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनका शुगर लेवल ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे घरों में उनको खाने के नाम पे क्या दिया जा रहा है, ब्रेकफास्ट में ब्रेड, चाउमीन, मैगी, इस तरह की चीज़ें, बिस्किट और चॉकलेट्स, हमारे जो बच्चे इस टाइम जो खाना खा रहे हैं उससे उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो रही है, उनको शुगर आने का खतरा बढ़ रहा है। दूसरा, हमारे घरों में बच्चों की एक्सरसाइज नहीं है, सारा दिन बैठे रहेंगे और कंप्यूटर पे आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप और मोबाइल का जो टाइम है ना, गेम्स खेल रहे हैं मोबाइल पे, उसका नुकसान पढ़ लीजिए कि सोशल साइट से बन रहे बच्चे डायबिटीज़ के मरीज, ये न्यूज़पेपर भी आपकी आँखें खोलेगा। तो आपको शुगर से बचने के लिए अपने बच्चों को अभी से एक्सरसाइज की आदत डालनी होगी। क्या आपको चक्कर आते हैं, आपके पैरों में दर्द रहता है, हमेशा वीकनेस महसूस होती है, मन चिड़चिड़ा रहता है, भूख और प्यास जल्द लगती है, बार बार पेशाब आता है, आई साइट कम हो रही है, जख्म जल्द नहीं भरते, स्किन पर इंफेक्शन होता है, सही डाइट के बावजूद वेट कम हो रहा है, हार्ट बीट अनियमित रहती है, अगर हाँ तो आपको अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो जाने की जरूरत है। मेरे को बीपी, शुगर, थायराइड और जोड़ों में, जोड़ों में दर्द था, हॉस्पिटल में इलाज करवाया था, किसी में भी मेरे को आराम नहीं पड़ा। मुझे ऐसी, मैं टीवी कितने सालों से टीवी देखती रहती थी, एड में आता रहता था, एड देखती रहती टीवी में, वो देख देख के नहीं आया। फिर मैंने इनको बोला था मुझे ये दवाई खानी है, फिर 3 महीने की दवाई खाई, फायदा ये हुआ कि मैं चलने फिरने लायक हो गई हूँ। पहले मेरे को चलती थी, थक जाती थी, सांस फूलती थी, मेरा कब कल लो नॉर्मल, पहले मेरी शुगर 600 थी, 600-500 इससे कम नीचे नहीं होती थी, लेकिन अब शुगर मेरे नॉर्मल शुगर 350 है। देशवासियों के मैसेज है, जैसे मैं ठीक हुई ऐसी वो भी ठीक होंगे अगर दवाई लेंगे तो। सर मेरे को कोलेस्ट्रॉल था, बीपी था और शुगर था 104, अंग्रेजी खाई था दवाई पहले, ठीक है, फिर आपकी आपका मैंने देखा प्रोग्राम टीवी में देखा, तो मैं यहाँ पे आया, उससे काफ़ी फर्क पड़ा है। हम चाहते हैं जितने लोग हैं आपकी दवाई शुरू करें, आपकी दवाई इतनी अच्छी है, इतना फायदा आया मेरे को। एज 70 ईयर, आई एम इन केस ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन फॉर द पास्ट 15 ईयर, आई हैव टेकन मेडिसिन फ्रॉम हियर, दैट इज डिपिकेट, देयर वाज वेरी वेरी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट विद इन 30 डेज। मैं डॉक्टर मनीष को और उनकी संस्था को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, मुझे उनसे बहुत सारा फायदा मिला है, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, हाँ जी बताइए। मेरे को 4.5 साल से डायबिटीज का पेशेंट हूँ मैं, ठीक है, तो अभी मेडिसिन डे बाई डे डॉक्टर स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। आप कौन से शहर से बोल रहे हो और उम्र कितनी है आपकी? 44 एज है और पंजाब से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ये बताओ मुझे कि वजन कितना है और ब्लड ग्रुप क्या आपका? 98 बी पॉजिटिव। और इसके अलावा और कोई तकलीफ शुगर के अलावा आपको? शुगर के अलावा वीकनेस है, सेकेंडली मेरे को यूरिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। यूरिन प्रॉब्लम ज़्यादा है,
अच्छा, कोई पिछले 2-4-5 सालों में शुगर के अलावा कोई और दवाइयाँ खाई हो आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, शुगर कितनी आती है आपकी, जब पहली बार चेक कराई थी तो कितनी आई थी? फर्स्ट टाइम मेरे को आज से 6-7 साल पहले स्किन की प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने स्किन की 2 साल एलोपैथिक होम्योपैथिक बहुत कुछ लिया। अच्छा, क्या हुआ था स्किन में? स्किन को मेरे पैरों पे क्रैक्स, हाथों पे अच्छा, ब्लड आना शुरू हो गया था। वो स्किन फट जाती थी आपकी, क्रैक्स पड़ जाते थे? फट जाती है, पेन इतनी रहने लगी थी कि चलना भी मुश्किल हो गया था। ठीक है, और तो किसी एक दिन फिर मेरे को किसी ने बताया कि आप एक बार शुगर टेस्ट कराओ, तो उसमें करीबन 310-315 के करीब आई थी। अभी आजकल खाली पेट कितनी आती है? अभी खाली पेट आज पकल 130-140 आ रही है, जब और 3 टेबलेट ले रहा हूँ, ब्रेकफास्ट से पहले एक, ब्रेकफास्ट के बाद एक और रात को एक। और HbA1c कितना है आपका, जिसको हम 3 महीने का एवरेज टेस्ट बोलते हैं? वो इस बार सर, या तो मैं फिर फाइल निकालू, आईडी ऐसे बता दो बस मुझे, कोई ऐसे नहीं। आईडिया 6.1 कुछ। ठीक है, आपकी शुगर मतलब 150 के आसपास रहती है रूटीन में, उसका मतलब ये है। जी 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 जी। अब आप सुनिए ध्यान से, आपको शुगर हुई लगभग 4-5 साल पहले जी, और उससे पहले आपको तकलीफ थी स्किन की जी, जिसकी हमें दवाइयां खाई, जिसका परिणाम स्वरूप आपको शुगर हो गई जी। अभी कुछ खेल समझे आप? नहीं। कि आपको पहले स्किन की प्रॉब्लम हुई, आपने स्किन की प्रॉब्लम की दवाई खाई जी, स्किन प्रॉब्लम हुई क्यों किसी ने बताया ही नहीं आपको? नहीं। और फिर उसके बाद शुगर हो गई, अब शुगर की 3 गोलियां खा रहे हो जी, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं बताया कि शुगर हुई क्यों? नो। जबकि आपका ब्लड इन्फेक्टेड है पिछले 7-8 साल से, जिसका कोई रोग का इलाज ही नहीं कर रहा, आज आप शुगर की दवाई खा रहे हो, 3 गोलियां हो गई, थोड़े दिन बाद आपको बीपी हो जाएगा या किडनी का प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर उसकी गोली खाओगे, कारण कौन खत्म करेगा जी? आपने हमारे बारे में कैसे जानते हो आप? मैं पिछले 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। तो आपने तो कभी संपर्क क्यों नहीं किया हमारे आपके संस्थान से? आज मेरे को रवि मौर्या जी की कॉल आई थी आपके संस्थान से। ठीक है, कि अभी आज आपका बताया कि लाइव आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, उनका फोन, उन्होंने लाइव बताया तो आपने फोन कर लिया। आपने कोई हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट नहीं लिया कभी आज तक? नहीं सर। तो ऐसा है, बेहिचक बिना संकोच के एक हमारा शुगर का स्पेशल पैकेज आता है, जिसमें शुगर की दवाई आएगी, शुगर हुई क्यों, लीवर और पित्त की दवाई आएगी, और शुगर की वजह से कोई किडनी, कोई हार्ट, कोई लीवर, कोई जॉइंट, कोई और बीमारी ना आ जाए उसकी दवाई आएगी, पूरा सेट आएगा। और 3-4 महीने ढंग से अपना परहेज कर लेना, कहना मान लेना, बट वही बात, हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो दर्शकों, घबराने की कोई बीमारी नहीं होती, डरा मत करो, बीमारी से लड़ा करो। मैं पिछले 3-4 साल से शुगर की बीमारी से ग्रस्त था, तो ये शुगर फास्टिंग में 278 और खाना खाने के बाद 325 निकले, लेकिन मैं कई जगह मैंने इलाज कराया, इसकी शुगर की गोलियां खाता रहता, थोड़ी दब जाती थी, लेकिन पूरी तरह मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैंने पिछले 1-1.5 महीने से, जब मैंने मनीष जी को इसको टीवी चैनलों पर देखा, मैं संस्थान है वहाँ पर आया और वहाँ मैंने देखा और मैंने वहाँ डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर को दिखाने के बाद जब मैंने उसकी किट को मैंने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाया, तो किट खाने के 1-1.5 महीने के अंदर मेरा वज़न जो है, पहले तो वज़न मेरा 95 किलो था, जो कि अब 85 किलो के करीब आ गया है, और दूसरा जो मेरे शुगर जो है मेरी, जो पहले 278 फास्टिंग रहती थी वो अब 80-90 के करीब, और जो 325 खाना खाने के बाद होती थी वो मेरी शुगर 110-115-120 के करीब रहती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर यामिनी शुद्धि आयुर्वेदा चंडीगढ़ क्लिनिक से। आज हमारे साथ एक पेशेंट है गजेंद्र नौटियाल जी। मैं 15 तारीख को मुझे शुगर का कुछ वो लग रहा था, तो मुझे मैंने पूरा टेस्ट किया था मैक्स लैब से, और उसमें आया कि मेरा जो 3 महीने का शुगर है और 10 पॉइंट समथिंग था, जो बहुत हाईएस्ट माना जाता है। तो फिर मैं यहाँ आया, फिर मैंने जो 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 खाने का है और दवाइयाँ, दोनों चीज़ें शुरू की हैं, और पहले हफ्ते से आना फ़र्क आना शुरू हो गया था। पहले हफ्ते जो 186 फास्टिंग में हुआ करता था वो 141 पहुंच गया था, और अभी जो मेरा फास्ट वाला 83 पे पहुंच गया है, और जो खाना खाने के बाद 350 था वो अब पिछले ये जो गया संडे है 3 दिन पहले, उस तक जो है मतलब 3 हफ्ते बाद ये हो गया आपका 161।
गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं डॉक्टर शालू शुद्धि क्लिनिक बल्टाना से। ये मेरे पेशेंट है गगनदीप जी। ये मेरे पास आए थे 17-5 को, मतलब मई में आए थे। इनको शुगर की दिक्कत थी, साथ में साथ इनको हाइपरटेंशन भी थी। 2 साल से ये शुगर की दवाई ले रहे थे। ये मेरे पास जब आए तो इनका जो शुगर था, शुगर का लेवल इनका उस टाइम इन्होंने मुझे बताया था 200, कि इनका खाली पेट 200 आता है। बट मैंने इनकी मेडिसिन शुरू की तो उसके बाद आपको सर बताएंगे कि इनको इन्होंने प्रॉपर जो मेरी मेडिसिन है जिस तरह से मैंने दी, इन्होंने प्रॉपर उस चीज को फॉलो किया, प्रॉपर लिया, उसके बाद इनको कितना बेनिफिट मिला है। मेरी आप बिल्कुल ठीक है, मेडिसिन खाया मैंने, ठीक खाया, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा खाली पेट मेरी है 89 है। पहले कितना था? पहले मेरा खाली पेट था 200-150 से। ठीक है, शुगर की दवाई कब से ले रहे थे? मेरे को 1 साल हो गया, पूरा 1 साल पूरा हो गया। तो अभी आपने प्रॉपर परहेज किया? परहेज किया, बिल्कुल प्रॉपर। तो आप क्या बताना चाहते हैं आयुर्वेद का कि लोगों को? मैं दी बेस्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कैसे कैसे रिजल्ट आए हैं इस किट को अपनाकर। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें। शुद्धि क्लिनिक पर डॉक्टर से मिलने के लिए या घर बैठे दवा मंगवाने के लिए संपर्क करें। अब देखो ना, अब ये हांगकांग की एक न्यूज है कि स्वस्थ रहने के लिए सूर्य से आंखें मिलाती हैं। अब जब ये सूर्य से आंखें मिलाएंगी तो इनको विटामिन डी की कमी आएगी नहीं, इनको ये बीमारियां नहीं आएंगी, जिससे ये लोग स्वस्थ रहेंगे और सुखी रहेंगे। तो आप लोगों को अगर बचना है, संभलना है, तो खाने पीने का ध्यान रखो, अपने आप को बचाओ। मैं आपको चरक संहिता का एक सूत्र बताता हूँ, धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्य मलमूत्रम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन का आरोग्य में हेल्दी होना आवश्यक है, लेकिन हर कोई बीमार है। इसीलिए हमारी संस्था को सामने आना पड़ा कि हम लोगों को जीना सिखाएं, लोगों को हेल्दी बनाएं, कम से कम इनको मोक्ष तो मिले, वरना यहीं भटकते रहेंगे। और आज की डेट में व्यक्ति अपने सुखों से इतना, अपने कहते ना, अपने दुखों से इतना दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों से ज़्यादा दुखी है। और सबसे बड़ी बीमारी है डिप्रेशन, शुगर का कारण भी डिप्रेशन है, टेंशन है, बीपी का कारण भी। तो हमने दिमाग के लेवल तक काम किया। एक मैं आपको सबसे बताता हूँ कि जितने भी लोगों को बीपी है, ध्यान से सुन लो, जितने भी लोगों को बीपी है तो उनको दिल की बीमारी, हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा है। तो अगर आपको बीपी है, शुगर है या थायराइड गोली खाते हो, तो आप किसी भी तरह की दवाई खाते हो, तो हमारी संस्था में संपर्क करो, वो आपको पूरी जानकारी देंगे कि बीमारी क्या है, क्यों है, कब से है। तभी तो बीमारी की जड़ पर काम होगा ना, वरना तो आप ठीक हो ही नहीं पाओगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार, नमस्कार। हाँ जी बताइए। मनीष जी, बहुत दिन से आपका प्रोग्राम देखती हूँ, लेकिन मेरे को बहुत बीमारी है, मैं क्या क्या बताऊँ? बहुत आप बताओ, उल्टा बढ़िया किया आपने, आपके माध्यम से पूरा भारत सुनेगा, पूरा विश्व सुनेगा बीमारियाँ क्या होती हैं और क्यों आती है, पता लग जाएगा। मेरे को पहले तो पेट की बीमारी है, बहुत साल से है। पहले आप बताओ आपका नाम क्या है? धनेश्वरी। कहाँ से बोल रहे हो? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। दिल्ली से बोल रहे हो और मेरा प्रोग्राम कई दिन से देख रहे हो? हाँ कई दिन से देख रहे। तो फिर हमारी ब्रांच में क्यों नहीं आए? दिल्ली में तो 3-3 सेंटर है हमारे। आपके ब्रांच में इसलिए नहीं आएगी। अब बताऊंगी पहले मुझे बीमारी क्यों बताओ। हाँ बताओ, पहले बताओ तकलीफ, बताओ अपनी बीमारी बताओ। मेरे को बहुत दिन से प्रॉब्लम है पेट की, तो मेरे को खाना हजम नहीं होता, जो मैं खाना खाती हूँ। अच्छा, वो मुँह के रास्ते मेरा बार 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 निकलता है। ओके और एक मैं एलोपैथिक खाली गोली खाती हूँ, सुबह अगर वो खा लेती हूँ तो तब नहीं होता। हाँ तो वो बीमारी को दबाने की दवाई है। आपका लीवर में HCl बढ़ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ रहा है आपके लीवर में, आपका ESR बढ़ा हुआ है और लीवर पित्त प्रकृति का है आपका। चाय छोड़ने के पीते हो अभी? चाय जब से आपका प्रोग्राम देखा तब से वो दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ। अच्छा बताओ, उससे कुछ फायदा हुआ? हाँ उससे फायदा है। बताओ, सारे लोगों को दूध वाली चाय नहीं पीनी चाहिए, सारे देश के लोग, विदेश के लोग सुन रहे हैं। उससे मेरे को कम प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो बहुत ज्यादा होती। देख लो, मैंने बिना खर्चे के इतना इलाज तो करी दी आपका, 1 रुपया भी नहीं लगा आपका। हाँ। सिर्फ टीवी देखा और ठीक होने लग गए आप। और दूसरा, मेरे हड्डियों में भी ना दर्द है, तो बताया मैंने टेस्ट। तो रात का दाल खानी बंद कर दी है? हाँ रात को दाल नहीं खाती हूँ, रात को दूध भी नहीं पीते हैं। तो उससे भी तो दर्द में कमी आई होगी। रात को ना दूध भी नहीं पीते हैं, जिस दिन से आपको प्रोग्राम देखा। हाँ तो अच्छी बात है, इस उम्र में दूध पीना भी नहीं होता। हाँ। लोग क्या करते हैं, 60-60 साल के भी दूध पी रहे हैं। रात को दूध हजम नहीं होता, जब सूरज हाँ। डूब जाता है ना हाँ। तो खाना हजम नहीं होता, नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ। सारा हिंदुस्तान रात को भी शाही पनीर, मलाई कोफ्ते, कस्टर्ड, खीर लगे हुए हैं, खाने खाने खाने। शादियों में जाके भी पागल बन जाते हैं, 250 रुपए देते नहीं, 1000 का माल खा जाते हैं। मैं परहेज भी बहुत करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों। मैडम आपका लीवर खराब है, लीवर ठीक करने के लिए आपको दवा खानी पड़ेगी।
दिल्ली में, पश्चिम विहार में और शास्त्री नगर में हमारा सेंटर है। आप हमारे डॉक्टर से आके मिलिए, मिलने की चेकअप की फीस नहीं है, फ्री है। अच्छा, आप आके मिलो तो सही। नीचे संस्था का नंबर चल रहा है, वहां से डॉक्टर का एड्रेस ले लो हमारी संस्था का। मैं आपको बताता हूँ, बॉम्बे में भी हमारा सेंटर है, चंडीगढ़ जीरकपुर में भी हमारा सेंटर है। कोई भी दर्शक कभी भी आके मिल सकता है, बीमारी की जड़ पर काम करना है। और अगर कोई आप दूर रहते हो, नहीं आ सकते हो, तो आप घर बैठे भी दवा मंगा सकते हो, परहेज पूछ सकते हो, कोई उपाय पूछ सकते हो, खाने पीने के सिस्टम पूछ सकते हो, घरेलू नुस्खे पूछ सकते हो। हमारा मकसद है भारत को बचाना। मेरे को डायबिटीज थी, बीपी हाई था और लीवर प्रॉब्लम थी, घुटना प्रॉब्लम था, ये मेरे को सर प्रॉब्लम थी। मेरे को तकरीबन है कि 5-6 साल से प्रॉब्लम थी। पहले मैं एलोपैथिक दवाई खा रहा हूँ, कोई राम नहीं आया। उसके बाद मैंने टीवी में ऐड देखा, मनीष जी के प्रवचन सुने, उसके बाद मैंने इधर आके दवाई शुरू किया। शुगर मेरे को बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल नॉर्मल आ गया है। बीपी हाई है वो भी नॉर्मल है। अभी लीवर है जो मेरा फैटी लीवर था वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। बहुत परेशान थी मुझे कि मेरा बॉडी हेल्थ सब मिस्टेक हो गया था मैडम। मुझे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी, मुझे उच्च रक्तदाब की प्रॉब्लम थी, मेरे लीवर की प्रॉब्लम थी, पेट की प्रॉब्लम थी, आंखों की प्रॉब्लम थी और सारे बदन की प्रॉब्लम थी मैडम मुझे। ओके, तो यहाँ पे अभी ट्रीटमेंट लेने के बाद अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत फर्क पड़ गया मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है, जीने की चाहत लगी मैडम। इससे पहले मैं तो मरना अच्छा पसंद करता था, इतना मुझे दर्द होने रहता था मैडम। डायबिटीज से दर्द था, बीपी से दर्द था, पेट के विकार से दर्द था और बहुत परेशान थी। लेकिन यहाँ सेंटर में, ठाणे सेंटर में आया, मैंने जब एडमिशन लिया, खान पान की दवाई की, रहन सहन की, जो मुझे डाइट की जो मुझे सलाह दी उनकी मेडिसिन से, मैं अभी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। भारतवर्ष के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, डॉक्टर मनीष जी का जिनासी का कार्यक्रम देखो, उनके यहाँ से उपचार करो और तंदुरुस्त रहो और ज़िंदगी बेहतर बनो और अपने परिवार को खुशहाल रखो। मेरे बहुत ज़्यादा बीमारी थी, जैसे शुगर था, बीपी था, थायराइड है, मेरा डिश थी, मेरे गर्दन में दर्द होता था, जो उसको जो कहते थे ये माइग्रेन का दर्द है। और ये मैं जो दवाई लेने लगी हूँ ना, उससे मेरे बहुत काफ़ी आराम आया है। मैं तो दोनों टाइम दवाई लेते लेते मनीष जी का धन्यवाद बोलती हूँ और जिन्होंने ये किट के बारे में मेरे को बताया उसका भी धन्यवाद करती हूँ। आपको शुगर कितनी रहती थी? और मेरी शुगर रहती थी 450-500, मैं 3 बार मेरे अटैक आ चुका है। मैं मेडिकल में 1-1 हफ्ते तक एडमिट रही हूँ। अभी पहले से बहुत ठीक हो? अब पहले से मैं बहुत ठीक हूँ। सभी मेरे बहन भाई हैं, उनको ये दवाई खानी चाहिए, इससे उनका जीवन सफल हो जाएगा। और मनीष जी का कोटि कोटि धन्यवाद। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारत के हर शहर में हमारा क्लिनिक है। आपको बिना देर किए आयुर्वेदाचार्यों की सलाह से शुगर की, मधुमेह, हर किट लेने की जरूरत है। समय रहते अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी, स्ट्रेस, माइग्रेन, डिप्रेशन और सेक्स के अलावा अन्य कई जानलेवा बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। हम आपको डरा नहीं रहे बल्कि अलर्ट कर रहे हैं कि आप साइलेंट किलर यानी शुगर की चपेट में आ चुके हैं। अगर आप डायबिटीज यानी शुगर से परेशान हैं तो आया है आपकी समस्त समस्याओं का संपूर्ण समाधान। संस्थान के संस्थापक आचार्य श्री मनीष जी और उनके विशेषज्ञ आयुर्वेदाचार्यों की टीम ने वर्षों की कड़ी मेहनत, लगन के उपरांत स्पेशल मधुमेह हर दिन के रूप में ऐसा कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं जिसका सेवन करने से आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। दर्शकों, तो फिर देर मत कीजिए, टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर कॉल कीजिए, अभी ऑर्डर करें और घर बैठे शुगर की किट मंगवाएं। ये कार्यक्रम बनाने का हमारा उद्देश्य है कि हम भारत में एक लोगों के अंदर स्वास्थ्य की क्रांति लाएं, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करें, उनको जीना सिखाएं, खाने पीने का तरीका सिखाएं, लाइफस्टाइल सिखाएं और लंबा स्वस्थ कैसे जीना है वो सिखाएं। एक कॉलर का इशारा मिल रहा है। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ बताइए सर। जी मैं कह रहा हूँ, मेरे को जो काफी लंबे टाइम से शुगर का प्रॉब्लम था। ठीक है जी। और बीपी का प्रॉब्लम भी था काफी लंबे टाइम से। तो अभी कैसी तबीयत है आपकी? जी आपका धन्यवाद सर, आपकी जो दवा का सेवन करके। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आपने इस दवा को लिया था कितने मिनट ट्रीटमेंट लिया आपने हमारे यहाँ से? जी मैंने 1-2 बार लिया ट्रीटमेंट लिया आपका, 2 बार। ओके, काफी ज्यादा मेरी बॉडी में आराम मिला मेरे को। अभी आराम है आपको? जी जी बिल्कुल। तो आप देश के लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आयुर्वेद के बारे में?
सर आयुर्वेद एक ऐसी चीज है जो परेशानी के जड़ पे काम करती है, ठीक है जी। देखो अगर किसी भी परेशानी को यानी जिंदगी भर दवा नहीं चलाना है तो आयुर्वेद को अपनाना बहुत जरूरी है सर, ठीक है जी, ताकि जिंदगी भर हम दवा के सारे ना चले एलोपैथिक और एक अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हमें मिल सके आयुर्वेद से। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। लखनऊ में हमारा क्लिनिक भी है, आप वहां जाकर अपना एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कराओगे तो देश के बाकी लोगों के काम भी आ जाएगा। अभी हमारे मुझे बहुत फर्क है, दवाइयां सारी बंद हो गई हैं, 5 दिन से मैं दवाई कोई नहीं खा रहा हूँ और ना ही मैंने कोई शुगर की ना ही बीपी कोई दवाई दी, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे दवाई बंद करने से, अब मुझे आराम मिला है, काफी थेरेपी दी जा रही है मुझे जी। पहले से तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, करीब 70-80% सुधार लग रहा है फाइव विद इन 5 डेज। मैं तो ये कहूँगा कि एक बार आके जो भी यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करा है। उनको 20 साल से शुगर थी जी, और शुगर के साथ बाद में इनको पहले हार्ट की प्रॉब्लम आई जी, उसके बाद इनको किडनी की प्रॉब्लम आई जी, इनका बीपी भी बहुत अपर रहता था जी। जब हमने यूट्यूब पर प्रोग्राम सुना उससे हमारे हमने अपना मन बनाया कि हम हिम्स में जाकर इलाज कराते हैं। जब हम यहाँ पर आए थे ये लगभग 16 टैबलेट रोज खाती थी जी, यहाँ आने के बाद नेक्स्ट डे ही हमारी सभी की सभी टैबलेट बंद कर दी गई, आज ये कोई भी टैबलेट नहीं ले रही। पहले से ये बेटर रिलीफ कर रहे हैं, इनकी जो सोजिश थी पैरों में माउथ पर थी वो भी बिल्कुल खत्म हो गई है, बीपी है जो वो भी बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है बगैर किसी मेडिसिन, ये बिल्कुल अपने आप को तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं इस टाइम। आप दिन में आपको कैसा एक दर्शक है पहले उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी सवाल पूछिए। जी सर मेरे को शुगर है तो मैं आपके संस्था से कॉल की हूँ, परहेज जानना चाह रही सर मेरे को। आप अपनी बीमारी बताइए, क्या बीमारी है आपको? शुगर। कितने साल से? 12 साल से। 12 साल से। उम्र कितनी है आपकी? 57 सर। 57। वजन कितना है आपका? जी वजन तो 49 है। और ब्लड ग्रुप क्या आपका? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। इसके अलावा और क्या तकलीफ है शुगर के अलावा आपको? ऐसा कुछ नहीं सर, बीपी वगैरह नहीं है मेरा। एसिडिटी की प्रॉब्लम? एसिड बनता है? प्रॉब्लम जी। एसिड बनता है? नहीं नहीं। गैस बनती है? नहीं नहीं बनती। सिर में दर्द ये सब हो रहा था सर मेरे को, वो होता था मतलब जैसे वगैरह होता था, हार्निया हो गया था, ये साधना वादना से खत्म हो गया। अच्छा 3-4 साल। अपना फोन मत काटना, पूरी बात करना ठीक है, और टीवी से थोड़ा साइड पे होके बात करो। आपको भी सिखाता हूँ शुगर क्या होती है और ठीक कैसे होती है, और सारे भारत के लोग सीख जाएंगे ठीक है। अब मुझे बताओ आज तक आपका कोई ऑपरेशन हुआ किसी तरह का? हाँ जी सर, मेरा तो यूट्रस निकलवाए 79 में, और मेरा यूट्रस भी नहीं है, गॉल ब्लैडर भी नहीं है। वेरी गुड। अब आपने खुद बता दिया शुगर क्यों होता है। 12 साल से शुगर है आपको जी। आप खाते हो नहाते हो यहाँ शुगर लिखा हुआ है आपके, आप बाजार जाते हो यहाँ शुगर लिखा हुआ है, आपके ऊपर एक ठप्पा लग चुका है शुगर है आपको, है ना। मैं बात कर रहा हूँ शुगर को ठीक करने की। पहले तो स्वीकार करो शुगर होती क्यों है। शुगर लीवर खराब होने की वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है एक, आपका लीवर फैटी है, इसीलिए गॉल ब्लैडर में स्टोन बने थे, इसीलिए यूट्रस रिमूव हुई थी, ठीक है, सुन रहे हो जी, तो जी सर। अब शुगर ठीक कैसे हो सकती है, करना चाहते हो? जी सर। आप कितनी गोलियां रोज की खाते हो शुगर के लिए इस टाइम? बस वो मेट्राइड प्लस 2 खाते हैं सर, एक सुबह खाते हो। नहीं, और परहेज करते। टोटल कितनी गोलियां रोज की खाते हो आप? एक एक। और इसके अलावा कोई और दवाई खाते हो, किसी तरह की गोली खाते हो? वो उसका क्या थोड़ा सा एलर्जी टाइप का हुआ था, उसका खाती हूँ। कितनी गोलियां रोज की टोटल खाते हो आप? आने वो 4 हो गया, और ये एक उसका मेट्राइड प्लस 5। और कोई नींद न आने की गोली? नहीं। रात को नींद ठीक आता है आपको? जी। जब सुबह बिस्तर से पांव रखते हो एड़ी दुखती है, घुटना दुखता है, या पंजे दुखते हैं कुछ? नहीं, आपके नहीं दुखता सर। सेक निकलता है? सेक पैरों के नीचे से सेक निकलता है? गालों से, कानों से, हाथों से, पैरों से कुछ सेक निकलता है? नहीं सर। पेशाब का रंग कैसा है आपका?
जी वो तो ठीक है सर, अभी तो कुछ नहीं ज्यादा है। पीला तो नहीं आता? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, अब आपकी शुगर जो है टाइप 2 शुगर है, ठीक है जी। ये आप ही की जानी अनजानी गलती यानी कि यूट्रस रिमूव होने से और गॉल ब्लैडर रिमूव होने से आई है। अब ये ठीक कैसे होगी ध्यान से सुनो, 3 से 4 महीने तो दवाई चलेगी, ठीक। उसके बाद दवाई आपकी भी बंद हो जाएगी, हमारी भी बंद हो जाएगी। लेकिन करना क्या पड़ेगा, सुबह उठते ही खाली पेट बिना कुल्लक बिना ब्रश करे सारे भारत को 1 कप ये पीनी पड़ेगी, ग्रीन टी हमारी है 32 जड़ी बूटियों की, खाली पेट पीनी पड़ेगी दिन में 3 बार, सुबह खाली पेट, फिर दोपहर को, फिर रात को। ये इसका छोटा पैकेट है, सैंपल पैकेट, और ये इसका बड़ा जार है। ये 6 महीने चलता है, 2 लोग पिए तो 6 महीने चलता है, बहुत सस्ता पड़ता है। तो ये सुबह खाली पेट पीना है पहला काम। फिर नाश्ते में आपने एक प्लेट 250 से 500 ग्राम बड़ी प्लेट भर के फ्रूट्स खाने हैं, फिर नाश्ता करना है। लंच में आपने एक बड़ी प्लेट सलाद खानी है, फिर लंच करना है। रात का खाना बंद करना है, दूध वाली चाय बंद करनी है और दूध की बनी चीज़ें एक बार कुछ दिन के लिए बंद करनी है। 4 से 5 महीने में आपकी शुगर की दवाई छूट सकती है और ये जो 5-6 गोलियां आप खाते हो ये ठीक हो सकती हैं, क्योंकि इतनी गोलियां खाने से आगे भविष्य में या तो लीवर फेल हो जाएगा या किडनी फेल हो जाएगी। तो बचने के लिए आप संस्था में फ़ोन करो, दवाई मंगवा लो, परहेज पूरा करना, आप ठीक हो जाओगे। ये हमारी मिसेज है, इनका नाम चंद्रावती देवी है। हम लोग बिहार जम्मू जिला से आए हुए हैं और हमारा शुगर लगभग 22 वर्षों से है और 2010 से हम PGI चंडीगढ़ में इलाज करा रहे थे। डेरा बस्ती का नाम जानते थे, रोड में पास होते थे, लेकिन जब हम वीडियो देखा, हमने यहाँ सोमवार रात में आए हुए और मंगल से मेरा इलाज चालू हुआ और सारी दवाइयाँ उन्होंने बंद किया। बंद कितनी दवाइयाँ खा रहे थे रोज? दवाई 20 टैबलेट रोज खाते थे। ये ध्यान से देखिए, 21 गोलियां रोज की चल रही थी और सुबह शाम इंसुलिन ले रहे थे, लेकिन यहाँ आए डॉक्टर साहब इंसुलिन भी बंद हो गई, इंसुलिन बंद हो गई, गोली भी बंद हो गई। आप क्या कहना चाहते हो, क्या क्या आराम आया आपको? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ के हो आप? जमुई जिला स्टेट में, स्टेट बिहार, बिहार में पड़ता है ये जमुई जिला। आपकी किडनी भी फेल थी, शुगर भी थी, बीपी भी था, नाभी भी सरकी हुई थी। कितना लोगों को बताना चाहोगे कि 7 दिन यहाँ, 6ठा दिन है आज आपको, क्या क्या आराम आ गया आपको? बहुत चीज आराम हो गया। लीवर रोग, किडनी रोग, हार्ट, सोराइसिस, कैंसर, ल्यूकोडर्मा, बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, घुटनों का दर्द या इन जैसी किसी भी नामुराद बीमारी से अगर आप परेशान हैं, तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लेकर आए हैं शुद्धि वेलनेस क्लिनिक। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, शुद्धि वेलनेस क्लिनिक के पूरे भारत में 160 से अधिक क्लिनिक है, जहाँ पर डॉक्टर विशेषज्ञ आपकी बीमारी के होने का मुख्य कारण जानकर आपको आपकी बीमारी का सही समाधान बताते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी बीमारी का सही समाधान सही समय पर पाना, तो देर ना करें, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल कर हमारे डॉक्टर विशेषज्ञों से बात कर अपनी बीमारी के अनुसार आप अपनी दवा घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। मैं डॉक्टर नीता फ्रॉम भिवानी क्लिनिक। एक मेरे पेशेंट है दीपक जी, जो डायबिटिक थे और अभी इन्होंने 2 बार यहाँ से मेडिसिन ली है। अभी ये इनका 3rd visit है और 1st visit में इनकी डायबिटीज थी 600, 2nd visit में थी इनकी 160 और 3rd visit में 138 है। मैं तो ठीक कर रहा हूँ, सबसे बढ़िया है, बेटर है, अच्छी दवाई ले रहे हूँ, अच्छी दवाई है, सारे को खाना चाहिए ऐसी दवाई। मैं तो पहले बहुत परेशान था, अब ठीक हूँ, अच्छा करता हूँ, भगवान से आशा करते हैं। और भी कोई आए? सर आपको कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक लग रहा है। जब आप आए थे तो आपको क्या क्या दिक्कत थी? दिक्कत तो शुगर ज्यादा थी। हाँ जी। खाना जम नहीं होता था, पेट में गड़बड़ रहती थी। हाँ जी। और वजन ज्यादा था, उस टाइम मेरा वजन था कोई 90 करीब। हाँ जी। तो जब दवाई ली मैंने तो मेरा वजन भी कम हुआ, वजन आ गया मेरा 75 किलो। हाँ जी। और फिर शुगर बिल्कुल नॉर्मल रही, बीच हाँ में थोड़ी सी बड़ी थी फिर ठीक रही। हाँ जी। फिर मैंने बाद में अभी तो 4 महीने हो गए बंद करके। हाँ जी। रुसा इस टाइम वही लेवल चल रहा है इसका। तो जब पहले आप शुगर्स करते थे यहाँ पे आने से पहले, तो आपकी जो है खाली खाने के बाद वाली शुगर कितनी आ रही थी? उस टाइम 350 के करीब। हाँ, 350 के करीब। और अभी आज के समय में आपकी शुगर्स कितनी आ रही है? तो ये 145-160 के अंदर ही है खाने के बाद वाली। और खाली पेट वाली 135-140 के करीब है।
ठीक है, तो आप अभी एकदम संतुष्ट हैं संस्था से? हाँ।